प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर नेताओं के दोगलेपन पर हमला कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जब आज बिहार में मौजूद थे तो महागठबंधन की एक रैली में आज तेजस्वी के साथ पहली बार उन्होंने मंच साझा किया और एक बार फिर हमला किया प्रधानमंत्री मोदी पर। काशीवासियों ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, एक प्रकार से कल शाम को 5 बजे से लेकर अगर रात के 4-6 घंटे निकाल दें, शायद इतना लंबा रोड शो 12-15 घंटे का रोड शो ये काशीवासी ही कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी, माँ गंगा के आशीर्वाद भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको बहुत लूटा, दबा दबा के लूटा, ₹5,55,000 करोड़। आप सोचिए 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को दिया। बिहार को अलग अलग वायदे किए, स्पेशल स्टेटस, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, कुछ नहीं सब झूठा है। नरेंद्र मोदी ने लूटा है। अब देखिए 5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ रुपए उसने आपसे लिया, 15 लोगों को दिया। नाम आप जानते हो, अनिल, नीरज, मेहुल, विजय, नाम जानते हो। इन चोरों को चौकीदार ने आपका पैसा दिया है, लाखों करोड़ रुपए। देश के मतदाता मतदान करें, ऐसा माहौल कुछ लोग अब बनाने लगे हैं कि मोदी जी तो जीत गए और इसलिए वोट नहीं करोगे तो चलेगा। कृपा करके ऐसे लोगों की बातों के में मत आइए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, सरकार मजबूत बनानी चाहिए और देश मजबूत करने के लिए मतदान करना चाहिए। तेजस्वी जी ने नारे लगाए, बड़े सुंदर नारे लगाए, मैं भी एक लगाता हूँ। पहले चलता था नारा 6 दिन, लोग कहते थे आएंगे, 2-3 महीने चला। 2014 के चुनाव के बाद लोग कहने लगे भाई अब ये कहां फंस गए, क्या हो गया ये। 2 साल के अंदर नया नारा चला, सुनिए, चौकीदार। नहीं भैया मजा नहीं आया, ये बिहार है भैया, सुनाई देना चाहिए, चौकीदार, चौकीदार। ये तो ये चौकीदार ने आपका पैसा उनको दिया, मैं उनके जेब में से पैसा निकालकर, हम सब उनके जेब में से पैसा निकालकर आपकी जेब में डालेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।